अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मैकडोनल्ड का मैक जो कि हैप्पी मील में मिलता है बर्गर। तो चले आए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 kg मैंने बोनलेस चिकन लिया है और इसमें मैंने लिया है 1 सौते किया हुआ प्याज। तो हम इसमें सबसे पहले जो हमारा प्याज है उसको डाल देंगे। इसके बाद हम डालेंगे 1/2 teaspoon सॉल्ट, 1 teaspoon ब्लैक पेपर, 1/2 teaspoon सोया सॉस, 1/2 teaspoon चिली सॉस डालेंगे और इसमें डालेंगे हम 1/2 teaspoon गार्लिक का पाउडर। अब हम इस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। अब हम एक चॉपर लेंगे और इसमें डालेंगे सबसे पहले हम ब्रेड के स्लाइसेस। मैंने इसको क्यूबिक फॉर्म में काट दिया था। सबसे पहले हम जो हैं अपने ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। और एक ब्रेड का पीस लिया था मैंने, और अब मैं इसमें अपना चिकन ऐड कर रही हूँ। 1/2 kg चिकन ऐड कर रही हूँ मैं इसमें स्पेस के मुताबिक, और एक ब्रेड का पीस। इसी तरह हम इसको चॉप करेंगे। जो बाकी का 1/2 kg चिकन जो है हमारा, वो दूसरी मिक्स करेंगे और इसी तरह एक मुलायम सा बैटर तैयार कर लेंगे। ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है कबाब का। अब हम लगाएंगे अपने हाथों पे ऑयल अच्छे से, ताकि हमारे हाथों पे बैटर चिपके ना। और एक जो है हम अपने जो बन के साइज़ का है उसके मुताबिक एक कबाब रेडी कर रही हूँ मैं, आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह आपने बाकी भी कबाब रेडी कर लेने हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके बन का साइज़ क्या है। कि छोटे बन हैं तो आप छोटा कबाब रेडी करें, अगर बड़े हैं तो आप बड़ा भी कर सकते हैं। इस पॉइंट पे जो है हम क्या करेंगे, इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। देखें जिस तरह मैंने बटर पे करके इनको फ्रीज़ कर लिया है। अब मैं इनको लाइट की जो हमारी आँच है उसके ऊपर पका लिया है। अब इसकी सॉस रेडी करने के लिए मैंने लिया है 2 tablespoon मायोनीज, और उसमें आइस पैक डाल रही हूँ चॉप किया हुआ। थोड़ा सा इसमें केचप भी डाल रही हूँ इसके टेस्ट को इन्हांस करने के लिए। तो इस तरह हमारी बहुत अच्छी सी मायोनीज सॉस तैयार हो जाएगी। लिटिल बिट मैंने इसमें गार्लिक का पाउडर ऐड किया, जस्ट इनको मिक्स कर दिया है अच्छे से। तो ये हमारी जो है मायोनीज की सॉस बर्गर पे लगाने के लिए रेडी हो चुकी है। इस तरह हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने जो मायोनीज की सॉस है उसको लगाएंगे अच्छे से बर्गर पे स्प्रेड करेंगे। इसके ऊपर अपना कबाब का पीस रखेंगे। मेरे पास चीज़ का स्लाइस नहीं था। अगर आपके पास चीज़ का स्लाइस हो तो आप इस जो है सबसे पहले मायोनीज लगाने के बाद चीज़ का स्लाइस रखें, उसके ऊपर कबाब रखें और उसके ऊपर दोबारा से मायोनीज लगा दें। अच्छे से कोटिंग करेंगे। मेरी जो मायोनीज थी वो थोड़ी कम पड़ गई थी, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी जो है मायोनीज भी लगाई है। इस पॉइंट पे आप इसके ऊपर थोड़ी सी केचप भी लगा दें। ये हमारा बच्चों का मैकडोनल्ड बर्गर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। बहुत ईजी और बहुत ही टेस्टी बनती है। थैंक यू।